कहता है कि नरेंद्र मोदी काम दे दिया था नीतीश कुमार हटाओ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक थारी का चट्टो पट्टो अरे बड़ा बड़ा कदम ले भर रहा गरीब के नोच रहा है नरेंद्र मोदी से पूछेंगे कि कहाँ देते हैं हमको राशन आन के दिखाइए कहाँ दिए वृद्धा पेंशन आन को दिखाइए कहाँ कार्ड बना के दिए आन को दिखाइए चोर चोर मौसेरे भाई सब एक रहता है मुसलमान कब्रिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान बोले बिना उनका स्पीच नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव अपनी पूरी सेना के साथ आज महागठबंधन को मिला करके आज महंगाई बेरोजगारी और जिस तरीके से देश में गतिविधियां हो रही हैं इन तमाम चीज़ों के खिलाफ में आज प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। पटना के सगुना मोड़ से उनकी शुरुआत हुई है प्रतिरोध मार्च के तमाम हज़ारों समर्थकों के साथ वो आज पहुंच रहे हैं। इनकम टैक्स होते हुए डाक बंगला चौराहे पे जाएंगे और देखिए CPIM के नेता यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं महिलाएं भी हैं इनसे बातचीत करेंगे। एक महिलाएँ कहाँ से आई हैं आप? लोहानीपुर से आए हैं। क्या क्या है आज क्यों पहुँचे हुए हैं आज यहाँ पे? हम लोग इसलिए पहुँचे हुए हैं कि महंगाई इतना बढ़ गया है इतनी बढ़ गया है तो कहाँ से करेंगे। इस मीटर के नाम पर स्मार्ट मीटर लगा दिया है उस पर भी GST लगा दिया गरीब आदमी झोपड़पट्टी में रहने वाले कहाँ से भरेंगे। अरे बड़ा बड़ा कदम ले भर रहा गरीब के नोच रहा है गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया राशन का दाम बढ़ा दिया गरीब आदमी कहाँ से क्या करेंगे। कमाने का कोई दरिया नहीं है जी कहीं भी काम करने जाते हैं तो अच्छी नहीं होता है। हमने उनकी इनकम में नहीं है तो टैक्स कहाँ से देंगे। ये सब के लिए लड़ाई है आगे भी लड़ रहे हैं आगे भी लड़ते ही रहेंगे लड़ते रहेंगे जब तक नहीं अथी करेगा लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगा जब तक नहीं मोदी अथी करेगा। कहा कहते कि बदलेगा क्या बदलेगा यही बदल रहा है कि गरीब को जान मार रहा है। मुकेश अम्बानी और अथी अम्बानी को सबको भर रहा मिल गया है गरीबों के नोच रहा ज्यादा गरीब अथी है अब तो वही ना जाने की कौन है मगर गरीब को तो नोच के खा रहा है जहाँ जा रहा है वहाँ धक्का मिला या गरीब को ही मिल। मोदी जी तो कहते हैं गरीबों के लिए हम इतना कुछ कर दिए राशन दे रहे हैं राशन दे रहे हैं कुछ नहीं किया है मिलेगा तो कहे ना कि कितना देते हैं लोग राशन का कहते आन के कहे ही यहाँ कि हम देते हैं गरीब के। हम लोग तैयार रहेंगे सड़क पर कि पूछेंगे कि क्यों कहाँ देते हैं किस से नरेंद्र मोदी से पूछेंगे कि कहाँ देते हैं हमको राशन आन के दिखाइए कहाँ दिए वृद्धा पेंशन आन को दिखाइए कहाँ कार्ड बना के दिए आन को दिखाइए। विकलांत मर रहा है मनु नगर ने भूख के प्यास है आन के दिखलाइए कहाँ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे हैं। खाली नहीं पूछे खाली मोदी जी से पूछेगा दोनों तो वही है दोनों वही मिलल है अपना कुछ कर रहा है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक थारी का चट्टो पट्टू तो मिलले है मिलले है कुछ दे दिए कुछ नहीं काम दे रहे हैं। हम लोग को रोजगार नहीं दिए है कुछ दे रहे हैं क्या दे नहीं क्या खाएंगे क्या खाएगा हम लोग का कहाँ देता है कोई आता है देवे आएगा तो इसका भगाओ भगाओ यहाँ झोपड़ी लगा दिया यहाँ झोपड़ी लगा दी भगा देता है आ खाली बड़कन के दे VIP आएगा काक बेटा लेके चल जाएगा आ हमने के लाइन दिया तो 600 रुपया देवता रिचार्ज करेगा तो लाइन आवेगा आ न तो लाइन गया अंधारा ने बाल बच्चा के लेकर रंगे यही नरेंद्र मोदी के है यही नीतीश कुमार के है रे डिजिटल भारत बन रहा है। हाँ बन रहा है भारत बन रहा है गरीब के लिए बन रहा है बना के दोनों मकान तक जान रहे हैं कि डिजिटल बन रहा है कहाँ दे रहा है कुछ नहीं दिया है फाड़ से नहीं तो वो भी नहीं दिया है सब तो खुआ पौआ है साला सब चौथा कमीना सब तो चोरे बांध रहा है। कोरोना में तो फ्री में वैक्सीन मिला ना जी वैक्सीन में मिला तो वैक्सीन में से क्या होगा दिया है वैक्सीन कोची कुछ नहीं दिया है। हम लोग काम किया है जो ठेकेदार आन के घर घर हम लोग का खाना दिया है हम लोग के खाना दिया है हम लोग के कहाँ दिया है काम कीजिए आप लोग से नहीं बात करेंगे जाइए आप लोग जाइएगा चोर चोर मौसेरे भाई सब एक रहता है कोची दिया हम लोग ठेकेदार ने काम कर रहे हैं वही लाला के घर घर हम लोग का दाल चावल दिया आन के कौन दिया है सब तो चोरवाना चोरवाना उसको उका दिया उसको उका दिया हो गया गरीब का लूट लूट के खा लिया जान मार के उन्हें फेंक दिया है कौन बचाया कौन ठेकेदार हमने के बचाया वो नहीं बचाया हाँ ठेकेदार बचाया हम काम करते हैं रोड में मकान उठाते हैं और वह बंसी रह के पानी पे उधर रहो भगा देता है और महल बना दिया तो चलो भाई ठीक हो गया पहचान ही ना लगेगा और गरीब का जब जरूरत पड़ेगा आ वो लेबर के काम है आबो बुला लिया अब फिर हटा दिया कहता है कि नरेंद्र मोदी काम दे दिया था नीतीश कुमार हटाओ।
देखिए इन महिलाओं का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज है। जिस तरीके से गरीबों को लेकर के ये लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से गरीब अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, एक चचा हैं, क्या कहेंगे, महिलाओं का इतना गुस्सा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में? इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। एक बड़ा एक तो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, मिनिस्टर लोग बलात्कार कर रहे हैं, सिलेंडर दिखा करके दे दिया लेकिन अभी तक बंद है और उसका भाव कर दिया 1000 से ऊपर। ये गुस्सा नहीं तो क्या मोहब्बत कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी जी को भी समझ में नहीं आ रहा है कोई यहाँ हमेशा रहने के, अगर वो ख्वाब देख रहे हैं कि कुछ बदल करके, अंग्रेज भी 200 साल किया, उनको भी जाना पड़ा। अरे नरेंद्र मोदी किस खेत की मूली है? ये गुस्सा नहीं है, ये आगे आने वाले सुनामी का जो है प्रतीक है, ये प्रतिशोध नहीं है, ये आने वाले खतरे का सूचक है। लेकिन वो जान रहा है कि ये गुस्सा एक दिन हमारे लिए बवाल खड़ा कर सकता है, ये इसलिए वो पूरी तैयारी कर चुका है। 8.5 हज़ार करोड़ रुपए का स्पेशल जो इसने तैयारा जहाज बनाया है काहे के लिए, मैं तो फकीर हूँ झोला उठाऊँगा चल जाऊँगा, सारे लोगों को झोला भर के भेज दिया है, उस पर कोई ईडी वीडी नहीं होगा, यहाँ से जाएंगे चोर चोर मौसेरे भाई मिल जाएंगे, क्योंकि जान रहे हो कि उनका अंजाम बहुत ख़राब होने वाला है। ये पत्रकार लोग, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम आप लोग इन सच्चाइयों को सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो गोदी 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 अब बोल रहा है मोदी मोदी मोदी। इसलिए ये तूफान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक हद होती है, क्योंकि इनके सामने अगर इनके नेताओं को कह दीजिएगा कि 2-4 शब्द को हटा करके तुम भाषण दो, नहीं दे सकता है, ये दे देंगे घंटों, लेकिन ये नहीं देख सकते हैं। उनके लिए मुसलमान कब्रिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान बोले बिना उनका स्पीच नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देश को बांट करके राज करना चाहते हैं, और देश बंटने वाला नहीं है, बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से शुरुआत है, ये सुनामी की शुरुआत है। जानते हैं कि जब दीवार गिरने को आता ना है तो थोड़ा सा भुड़बुड़ा जाता है, तो ये भुड़बुड़ाहट है, ये ध्वस्त होने वाला है, ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो साम्राज्य है ये ख़त्म होने वाला है, इसको आप इस पर समझ लीजिए, क्योंकि ये भूखे नंगे अब सड़कों पे आए हैं। यही हमारा क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम गुलाम सरवर आज़ाद है, और ऐसे ही मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, गरीबों के बीच में रहने वाला हूँ जी। तो देखिए गरीबी से परेशान ये तमाम लोग पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं, और मोदी के खिलाफ में नीतीश कुमार के खिलाफ में गुस्सा जो है इनका चरम सीमा पे है, और लोग कह रहे हैं कि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, अब बर्दाश्त की वो सीमा हम लांघ चुके हैं और अब प्रतिशोध की ज्वाला जो है वो जल चुकी है। बहरहाल आज प्रतिरोध मार्च में तमाम लोगों से लगातार हम बातचीत करते रहेंगे, आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।